अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग मैं दो दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी और अब सोकर उठी हूँ। तो मम्मा ने कहा कि भैया के लिए नाश्ता बनाओ, बल्कि मम्मा ने नहीं कहा, भैया ने खुद कहा कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तो अब इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, साथ मैंने अपने लिए तो चाय और ब्रेड ले ली थी, अब इसके लिए बना रही हूँ। और अब इसको नाश्ता देकर मैं बेला को आज नीचे लेकर जाती हूँ क्योंकि बहुत तंग कर रही है। तो अब मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बेला ने मेरे साथ किया क्या। गलती शायद मेरी ही है, वो इस तरह ना ज़मीन पे बाहर गली में रोल हो रही थी और मैंने उसको उसी टाइम पकड़ लिया। उसने अब पता ही नहीं चला मुझे कि उसने मुझे काटा है या फिर नेल्स मारे, लेकिन उसने मुझे दोनों किया। क्योंकि सामने नेबर भी लड़की थी, वो कहती क्या किया नूरापी, मैंने कहा मुझे तो खुद पता नहीं चला इसने मेरे साथ किया क्या, बस मुझे ये पता ज़रूर चला ये मेरे हाथ से लटकी हुई थी। तो इसने मुझे काट भी लिया और नेल्स भी मारे और अभी तक मेरी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो फिर मम्मा के साथ मम्मा ने कहा नहीं फ़ौरन इंजेक्शन लगवाने चलो, फिर मैं वहाँ इंजेक्शन लगवाएंगे। और ये इंजेक्शन भी इतनी दर्द वाला था, हालांकि मुझे दर्द नहीं होती लेकिन ये लगवा के बहुत दर्द है। उसके बाद मम्मा ने कहा था कि ग्रोसरी करने जाना है, फिर हम ग्रोसरी करने के लिए चले गए। और अब ये चीज़ें लेंगे मम्मा के आस मम्मा के साथ साथ बस मैंने फिरना है जो जो मम्मा चीज़ें लेंगी। की पेंटिंग याद आ गई, बाजी भी यहाँ से इस तरह की पेंटिंग लेके गई थी लेकिन वो हम लोग दूसरी मार्केट से लेकर आए थे तो यहाँ पर भी ये थी। ये मेरी बेला के बाल यहाँ कहाँ से आ गए, आज बीहा नहीं आई लेकिन मुझे यहाँ बीहा की फेवरेट चीज़ मिल गई है जो कि मैं लूँगी नहीं इसके लिए। यहाँ पर चल फिर कभी मुझे भूख लग गई, फिर मैंने कहा चलो जी पैटिस लेते हैं, पैटिस लिया और साथ मैंने अपने लिए सैंडविच लिया। फिर हम दूसरे मार्केट गए, वहाँ पर मम्मा ने पैन देखने थे, सॉस पैन और इस तरह चीज़ें देखनी थी, तो फिर वो देखने लगे मम्मा के साथ। मम्मा ने शूज़ रैक भी देखना था लेकिन शूज़ रैक हमें पसंद ही नहीं आया तो वो फिर हमने लिया ही नहीं। और फिर बनाना लेकर हम लोग घर आ गए थे। घर आते साथ ही चाय लाजमी है तो इस बार मैंने दूसरी चाय नहीं बनाई तो मैंने सबस चाय बनाई। मम्मा ने कहा था कि सबस चाय बनाओ, फिर मैंने सबस चाय बनाई और फिर मेरे मम्मा ने वो पी। अच्छा कुछ लोग मैंने देखा है इसके अंदर चीनी डाल के पीते हैं, मुझे उन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा होता है, मुझे हैरानी भी होती है यार सबस चाय में कौन, ये जो कश्मीरी चाय होती है इसमें कौन चीनी डालकर पीता है। खैर मैं और मम्मा तो हम लोग नमक डालकर ही पीते हैं और मैंने इसके अंदर नमक ही डाला था। अगर इसके साथ बकरखानी होती ना तो थोड़ी मज़ा आ जाता, लेकिन बकरखानी नहीं थी। अच्छा छोटे होते जब मम्मा बनाती थी ना तो मैं इसके साथ बकरखानी जरूर खाती थी। उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया, साथ मम्मा ने कहा कि कबाब फ्राई कर लो, फिर मैंने वो फ्राई किए
और ये मेरे से टूट भी गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे से जो लेफ़्ट वाला ये टूट गया था, पता नहीं क्यों टूट गया, हालांकि मैंने बनाया सही था। खैर पेट में ही जाना है, टूट के जाना है तो खा लेंगे हम वैसे, कोई बात नहीं। और जिसने मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगाई है वो आप लोग देखें, ये आराम से यहाँ पर सोया हुआ रिलैक्स होके। ये इसीलिए मैं इसको पकड़ रही थी क्योंकि ये देखें मिट्टी मिट्टी ये हो जाता है, पाँव इसके कितने गंदे हो गए, ग्रे वाइट लगता ही नहीं है, फिर ग्रे लगता है। आराम से मज़े से ये सोया हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं दवाई भी खाई है और इंजेक्शन भी लगा, लेकिन फिर भी आराम नहीं है। खैर ये था आज का भी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी लोग पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।